तेरी माँ तो बड़ी जिद्दी थी, तो किस पे चली गई? तेरी जगह वो होती ना तो डट जाती, मोहब्बत ना छोड़ती। यही दुख तो खा गया मुझे सारी जिंदगी कि जब पाप और खावत में से चुनाव करना पड़ा तो उसने बाप को छोड़ दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया प्रियंका। इतना जालिम नहीं था मैं। एक बार तो मनाने आती मुझे। वो आपको मनाने ही निकली थी। क्या जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया? कभी दिखाऊंगी मैं आपको उनके वो सारे कर जो कभी पोस्ट नहीं हो पाए। पिछले 25 साल से एक ही बात खाई जा रही थी मुझे, चौधरी दिलदार ली, तेरी मोहब्बत या तरबियत में कुछ तो खामी रह गई है। जो तीन है तुझे मुंह ही नहीं लगा। ऐसा नहीं है बड़े अंकल, ऐसा नहीं है। मम्मा बहुत प्यार करती थी आपसे, बहुत ज्यादा। उनके लिखे हुए सारे खतूत और डायरी का एक एक लफ्ज इस बात की गवाही देता है कि वो बहुत प्यार करती थी आपसे। खुदा की कसम पिल्लू को छोड़ने वाली बात भी मैंने तुझे आजमाने के लिए की थी। मेरे दिल में था कि खुदगर्ज माँ की बेटी भी खुदगर्ज ही होगी, मगर तूने तो मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया। नहीं बड़े अंकल, परी मर सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कभी। बिल्लू ठीक होता है ना तो फिर चलेंगे तेरी माँ की कमर पे। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। भाजी आपको आना होगा। यार तू ना वैसे फिल्म इश्क इश्क का फिल्म स्टार नदीम ही लग रहा है, हैं? और बस कर दे खाते पीते चौधरी, अब्बा जी आ गए ना तो ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना है। अबू जी इसके ऊपर कैसे डाल के बाइट करने का जो मजा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और सुबह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, भूकंप आ रहा, मेरी पसलियों में दर्द शुरू हो गया। अब कम से कम आराम से खाने तो देना मुझे। ओ शुक्र कर, ये आइडिया आ गया दिमाग में। ओ दुआ दे डॉक्टर सलमा को और अमजद को, ये सब हो रहा है। और फिर अबू अगर हम सच का दामन थामे ना तो दादाजी के साथ की हमने अखीर बगैरती है। तूने मालूमात दी है मुझे। देख बिल्लू चौधरी,
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर होशियारपुरियों को अपनी उंगलियां टेक करनी पड़े। यार तू बीमार है, तू खा बल्कि बस करते। सीज फायर कर दिया चौधरी साहब ने, अब रावी चैन ही चैन लिख रहा है। सदके जाऊं मैं रावी के। वैसे आप वाकई अब्बा जी की ना हार्ट स्पेशलिस्ट है। क्या केरा डाला है आपने, बल कैसे निकाल दिए चंद घंटों में। आप लोग भी अब ना जरा वो क्या कहते हैं आप लोग, हाथ हवाला रखो जरा। उनकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं परेशान हो गई, मेरा दिल बैठ गया उन्हें देख के। डॉक्टर वो नानार निवासी का तो बताए, समझ आई है उनको कि नहीं बात। माफिया तलाफियां चल रही हैं। ओ यार तुम जरा जल्दी होश में आ जाना, ड्रामा इतना लंबा ना कर देना कि गले ही पड़ जाए। किसको कह रही हैं आप? पास कर दे यार, पास कर दे तेरी मेरे। कॉलर किसी से स्विच ऑफ करे ना। हो जा। हमें मिलू आंखें नहीं खोल रहे। औजलाकार पुत्र ठीक हो जाए। दिलदार अली, शाकिर जरा बाहर आओ, मेरी बात सुनो। बिल्लू ठीक तो हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा पुत्र। कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यो कहा था ना तुम्हें, शियारपुरियों के लड़कों का अपना ही फंडा होता है। सुनो यार दादा जान को मत बताना कि मैंने ड्रामा किया, मेरी टांगे तोड़ देंगे। जाके बता दो कि बिल्लू को होश आ गए। जाओ सोना तो बोल दूंगी, तुम आओ ना, मत करना मेरे साथ ऐसा। सॉरी चल बस को दीवाना। वैसे ना एक बात की मुझे समझ नहीं आई, बिल्लू की रिपोर्टें कैसे मिक्स हो सकती है, वो भी एक ऐसे पेशेंट के साथ जिसकी कंडीशन सीरियस। भाई वो डॉक्टर सलमान ने बताया तो है कि इत्तफाक से ना उस पेशेंट का नाम भी बिलाल था। वैसे ऐसी सिचुएशन ना सिर्फ फिल्मों में होती। नहीं, अब ड्रामों में भी होती है ना। आपको तो रिपोर्टें चेक करनी चाहिए थी ना, आप तो डॉक्टर हैं।
हमें ऐवी आपने परेशान कर दिया। मैं जो हूँ ना वो वेटरनरी डॉक्टर हूँ। देखो जानवरों और इंसान की रिपोर्ट में ना थोड़ा सा फर्क होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो बिलाल और बंदर के दिमाग का अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना तो बिलाल का एक दिमाग होता है और बंदर के दो दिमाग होते हैं, क्योंकि बंदर का एक दिमाग सिर्फ उसकी दुम को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो बिलाल का दूसरा दिमाग है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बिलाल की दुम नहीं है। शुक्र है चली गई। ये आप किससे बातें कर रहे हैं? किसी से नहीं, असल में तुम्हारी माँ के साथ रह रहे के ना खला में बातें करने की आदत हो गई है। ये क्या है? ये मास्टर कॉपी है चंदा उतारे की, कई बजट ले लायो। अरे ये तो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। हैं? इनके साथ एक पिक्चर लेते हैं। ये मेरे अब्बू हैं और ये डॉक्टर है आप लोग के। हेलो हेलो, अरे अरे घबराना नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं तो तुम्हें प्यार से जब भी तुम बीमार होगे सिरप पिलाऊंगा सिरप। मुंह तो सीधा कर, तोते जैसा मुंह बनाया है। फिलहाल के लिए जूस बना रही थी। आप ले जाएं। क्यों भाई, तेरा खामद है तू ही लेके जा, मैं क्यों लेके जाऊं? माफ कर देना, सारी जिंदगी का खबार था मैं तेरे पे निकल गया, हालांकि तेरा कसूर ही कोई नहीं था। आ जा आसीने ना लग जा ठाकर। ये तो लग रहा है सास मेरी सहेली की शूटिंग चल रही। जी नहीं सुसर, मेरा मकार लूंबड़ की रिहर्सल चल रही। वाह निमको जी, बड़ा टाइटल दिया है। अब्बा जी ने परसों ताशी और पारो का निकाह और बिल्लू और परी की रुखसती तय कर दी है, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि शब्बो मेला लूटने चली गई है, आप भी अपनी शॉपिंग का कुछ करें। ग्रेड 14 तो मकारियां 20 ग्रेड की, मैं भी जाके जूलर को फटाफट फोन करूं। हाय हाय, आई एम सॉरी बेटा, वो एक सही काम के लिए गलत तरीका इख्तियार करना पड़ा, पर तू यकीन रख कि ये रात सारी जिंदगी ना हम 6 दिनों के दरमियान ही रहेगा। 6? मैं, बिल्लू, डॉक्टर साबर, डॉक्टर सलमा, तू और तेरी दादी। दादी? दादी का भी पता था? पूछ के आती हूँ उनसे। दादी, पान को चूना लगाते लगाते आपने परी को चूना लगा दिया। ये तुमसे ना छुपाते तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी नेचुरल एक्सप्रेशन कैसे आती? बड़ी आई आप डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। असल में हमने सेम टू सेम अपने डाइजेस्ट में ऐसी ही एक स्टोरी साइम आक्रम कॉलरी की पढ़ी, उसमें यही सिचुएशन थी। तो हमने क्या किया कि हमने डॉक्टर शर्मा को फोन किया और उनको अपने साथ मिला लिया। और इतना बड़ा ड्रामा किया आपने, कुछ शर्म नहीं आई धोखा देते हुए? आई थी थोड़ी सी, लेकिन तुम्हारी शादी बचाने के लिए हम हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार थे। एक बात तो बताओ, तुम्हें अपनी छोटी सी प्यारी सी दादी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? थोड़ा होर साह खिच, अंदर कर, ढिड अंदर कर, खुदा दा वास्ता ही। ए रा तो चाहे मेरा सांस निकल जाए। अब फिकर ना कर, नहीं मरता तू निकाह के पेपर पे साइन किए बगैर। चल चल खुदा की वास्ते। ओ निमो बाजी, ये पिंडाल में पूरे खानदान के सामने ना ये अपने टुच्चे टुच्चे मजाक ना कर रहा। मैं नहीं करती वे। अच्छा जरा स्मेल तो करके दिखा दे, भी दूल्हा मियां है तू। और मां सदके मेरा टोल सपाइया। चल चल कोशिश कर, फिर उसकी फिर की कोशिश कर। 1 2 उधर मुंह करके 1 होने लगा बस। 1 2 3 हो गया। सांस बंद करना जरा, थोड़ा थले वाला भी। हाय कितना प्यारा लग रहा है, मां सदकी जय भी रवि। बेल आखिर इतने सालों बाद मेरी प्यारी सी पारो खाला की दिल की मुराद पूरी हो ही गई, और देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी दुल्हन बनी है। हाय अल्लाह,
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तूपा चुटकी तो काटना। क्या? इतनी जोर से थोड़ी बोला था। कहा था? एक मिनट बोलो शोएब, आ रहे हैं थोड़ी देर में, तैयार तो होने दो सही से। क्या तुम्हारी अम्मी भी आ रही हैं? अच्छा अच्छा, अम्मी भी आ रही हैं। मान लो शादी का ख्याल है दिल में उसके। फजूल बातें ना करें, फिलहाल अपनी शादी की तो सोचे। बात सुनो, पॉजिटिव रिस्पांस देना है तुमने। हाय बेचारा, इतने अरसे से लटका हुआ इंतजार की सूली में बंदरों की तरह। उतर आया है, लटका नहीं हुआ है, बल्कि अब तो असल बंदरों की तरह चलता फिर रहा है। अब वो जिन आंटी ने मेरे बालों में कर्ल्स डालने थे वो कब आएंगी? बुलाती हूँ। क्या बताऊँ, चलो एक सेल्फी लेते, जल्दी लो। कैसी आई है? एक और। आपको तो कोई नहीं पसंद आनी, मैं ना आपकी सुन लेती हूँ। हाय हाय हाय, आशी मामू को भेजूं? अच्छा शर्मी आ गई है, जब शर्माना चाहिए था तब तो शर्माती नहीं थी, अब आ रही है ना शर्म। अरे अल्लाह के फजल से इंतजामात सारे ठीक है, ठीक है। वाओ, मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दर में हर दिन। हाय सबके चाहो, देख तो सही मेरा भाई चांदा टोटा लग रहा है बिल्कुल। वैसे निमो पापी पारो भी खूब निशकारे मार रही है। हाँ ये तो है, देख कैसी मजे की बात है। वैसे मैंने पूरा पाकिस्तान छान मारा और रिश्ता मिला कहाँ से पड़ोस से। इसको कहते हैं बच्चा बगल में डोरा शहर में। आ आगे गॉर्जियस, हम पे भी ऐसे ही रूप आया था बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, रूप की रानी तो खैर आप अब भी हैं। एक्सक्यूज मी जी, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। आप एक निहायत फ्लर्ट यानी कि शरीर थर्टी बुढ़े हैं और आपकी इस फ्लर्टेशियसनेस का हम पे कोई असर नहीं होगा, सो प्लीज सेव टाइम। एक्सक्यूज मी, ये आखिरी वाले दो तीन जुमले समझ में नहीं आए, क्या कहा आपने? हमने कुछ भी कहा हो, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हो रही है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चले खैर से, परी बेटी की शादी तो हो गई, आपने क्या सोचा है? हमने जो भी सोचा हो आपको क्यों बताएं? बहरहाल जहाँ भी रहें आप खुश रहिए, हमारी तो दुआएं आपके साथ होंगी हर वक्त। वैसे जहाँ भी होंगी आती जाती रहिएगा। यू आर टू मच। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाज आ जा बाज आ जा, क्या करता है तू? ना मुरादा, इस उम्र में तो चप्पल की छट भी दो चार पसलियां क्रैक कर देती है। अब तो हमें दुआ मांगनी चाहिए कि दुआई खाते हुए सबसे निक्की गोली ना गुआच जाए। दिलदार है, मैं तो अपना ध्यान इधर उधर लगा रहा था। सच्ची बात तो ये है, दिलदार, ये जो तुमने पारो वाला काम किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं।
वही कलकार है। ये बात तो मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता था। वही यार, तू मेरा बचपन का यार है, लंगोटी है मेरा। तू अपने यार चौधरी दिलदार अली को आजमा के तो देखता। पारो भी हमारी अपनी बेटी है, और ये जो डम्बू चूहा है इसका भी रिश्ता जाहिर है नहीं मिल रहा था, तो अच्छा हो गया कार की गल कार में रह गई है। ये एक बात जरा गौर से सुन ले। हुकम कार। अब डम्बू चूहा ये ऐसे नाम नहीं उसके रखने, क्योंकि अब वो मेरा जुआई है। हाँ? बड़ा चंगा मुझे। अच्छा। मैं तो लाड करता हूँ उसके साथ, सारे ही उससे बड़ा प्यार करते। मुबारक। रो क्यों रहे हो? उधर तेरे हक च होया, तेरे खिलाफ नहीं होया। आज से ताशी को कोई डम्बू चूहा नहीं कहेगा। ताली। अरे भाई, दूसरा दूल्हा कहाँ है? जल्दी बुलाएं, हमें और जगह भी जाना है। परी का बिलाल का निकाह से हो रहा है? नहीं, उनके बड़े अब्बा जी का। देखो अभी। जाने ये देसी फरंगी प्रोफेसर बख्त किधर आ गया है? इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं। वो साथ डॉक्टर सलमा भी है। Excuse me, तीसरी दुल्हन के लिए जगह खाली कीजिए, जल्दी से हरी आप। तीसरी दुल्हन? और ये कहीं प्रोफेसर बख्त ने मेरी कमर में छुरा तो नहीं घोंप दिया? ओए ते चल भी लाड़े की तरह रहा है। स्टॉप। वो
यो कट द क्रैब, मुंह तो बंद करो, ड्रामे की आखिरी एपिसोड है। ओए चर्चल के मुंशी, ये क्या टोपी ड्रामा है? ओए ओए गब्बर गिल्ले, ओ टोपी ड्रामा तो अभी शुरू होगा, निकाह के बाद। ओ यार छोड़, बड़ी दुश्मनी कर ली, बड़ी लड़ाइयां लड़ ली, अब दोस्ती कर। ओए ओए तू पागल तो नहीं हो गया? पढ़े लिखे बंदे का पता भी नहीं चलता पागल है या सही है। और तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरा दिमाग तो नहीं चला, लेकिन सोचा कि तेरा दिमाग जो है ना उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, ताकि तू घर गृहस्थी का काम कर सके और हमारा बिल्लू जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। यो सर, यो सर, सर रिस्पेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू। चल भाई बिलाल, अपना स्पासनामा पेश कर। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू चौधरियां द वे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी दादी सास ने एक दफा चक्कर नामी एक नॉवेल में एक बड़ी खूबसूरत सी बात पढ़ी थी। वो बात ये थी कि शादी का यो उम्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बात तो सारी सोच की है। सो यो, बात सारी सोच की है, सोच के अंदाज की है। उम्र आते हुंदिया ने बंदिया ना इम्तिहान, मेरा दादा जी ने जीते सारे इम्तिहान। यो बिलू ऑन द माइक, दादा ऑन द फ्लोर। आज हमने भी अपने प्यारे चौधरी दिलदार हुसैन, सॉरी सॉरी सॉरी, होशियारपुरी के साथ एक होशियारी कर दी है। आज हमारे प्यारे दादा का निकाह होगा डॉक्टर सलमा के साथ। ये। ओ हो। अब नहीं भागने दूंगी तुम्हें। जो कम शाके के होने वाली अम्मी। आइए तशरीफ लाइए। लड़के को ले आओ, लड़के को इधर ले आओ। आज मैनू पाकिस्तानी बैठाओ, इनू देसी फिरंगी नू इधर आ जा। लेमिया बैठी आप यहां बैठ, यहां। हां हां, लावे दलदार। हां जी, अब जिम ज्वाइन कर लेना। चले बे, आप नकाह पढ़ाना शुरू। चलो एक मिनट जी, एक मिनट जनाब, चले आप शुरू करें। लड़की के गवाहान में मेरा नाम भी लिखें। मेरा नाम भी लड़की की तरफ ही लिख लें। अच्छा, ये आज सारे मेरे दुश्मन कुड़ियां लोग हैं। मौलवी साहब जरा मेरी भी गुंजाइश निकालें। पुत्र तेरी जगह घर च नहीं बकर मंडी च बांधी है। अब्बा जी, कबूल है। जी कबूल है, कबूल है। डॉक्टर साहिबा दस्तखत करने हैं, कहीं दवाई ना लिख दें। शाम एक तू ही है हम नवा। सहन हो रहे हैं शब्बो। शब्बो मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं सास बन रही हूँ, तो सास पे सास पड़ने लगी है। कोई बात नहीं निम्मो भाभी, वैसे अच्छा हुआ आपके साथ। एक बात बोली, मेरे 14वें ग्रेड की अप्रोच को समझने के लिए पढ़ा लिखा बंदा कान में आना बड़ा जरूरी था। मास्टर का आज भी मार।
मैंने तो 35 साल पहले कबूल कर लिया था, अब्बा जी नहीं थे माने, हुन भी कबूल है, कबूल है, अमान नाल कबूल है। कबूल है कह दिया उन्होंने। लड़के की सेहत के लिए भी दुआ मांगना। आमीन आमीन आमीन। मुबारक हो भाई। पुत्र तेनू डबल मुबारक, वेख डाई कराते ही नवी अम्मी मिल गई है। हाँ मेरा शहजादा, मेरा बब्बर शेर। बातें हैं बस दर्द।